विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर शनिवार को मुख्य अभियंता कार्यालय मौदीपुर पर एक दिवसीय धरना दिया। अपनी मांगों को बताते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 11 सूत्रीय मांग में पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः लागू किया जाना, जूनियर इंजीनियर के रिक्त 1600 पदों पर पात्र अवधि 5 वर्ष करते हुए ITI प्राप्त संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर लाइनमैन के पद पर समायोजित किया जाना, संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 किए जाना सहित अन्य मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगामी 9 तारीख से 72 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करने के बाद होंगे। एक दिवसीय धरने में मनीष राय, प्रमोद कुमार पांडे, JPN सिंह, अजय श्रीवास्तव, सिद्धार्थ सिंह, नीलेश सिंह सहित मजदूर संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत मजदूर संगठन प्रदेश के उपाध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा, संगठन जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 अभी तो ये लड़ाई है, आगे और जूझ जूझ हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो, जिंदाबाद, 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 तू संगठन जिंदाबाद, 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 वो अब से टकराएगा, जूझ जूझ हो जाएगा, वो अब से टकराएगा, जूझ जूझ हो जाएगा, इनकलाब विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रांतीय उपाध्यक्ष विद्युत मजदूर संगठन। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक 23 तारीख को लखनऊ में संपन्न हुई। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज एक दिन का धरना देंगे मुख्य अभियंता कार्यालय पर, और यह धरना परियोजना कार्यालयों पर तथा शक्ति भवन पर भी चल रहा है, और अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 9 तारीख से हम 72 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसमें हमारी पुरानी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल करने, संविदा कर्मचारियों को 25,000 वेतन देने, TG2 को पे ग्रेड देने एवं अन्य कई समस्याओं को लेकर के अपना यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।